500 ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ। ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ପାଞ୍ଚଶହ ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ହୋଇଛି ସାକାର। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ରାମ। ରାମମୟ ଅଯୋଧ୍ୟା, ରାମମୟ ଦୁନିଆ। ये यात्रा किंतु नथिला सहज। आसंतु सही ऐतिहासिक मुहूर्तर साक्षी हेबा पूर्वरु आज फेरी जिबा 500 वर्ष पछकु जेउठु आरंभ होइतिला राम मंदिरर आजिर कहानी। प्रथमे ही आर्टिकल उपरे नजर पकांतु। तथ्य कहुछि 1928-29 रे बाबर सेनापति मीरबाकी यहार निर्माण कराइथिले। अयोध्या जेउठी आज राम मंदिर पुनः निर्माण होइछि सेठारे से बाबरी मस्जिद रो मूल दुआ पकाइथिले। एही मस्जिद ठीक सही स्थान रे निर्माण करा जाइथिबार दाबी करा जाउछि। जेउ स्थान रे श्री राम जन्म ग्रहण करिथिले एवं राम जन्मभूमि भावे सेठारे मंदिर प्रतिष्ठा करा जाइथिला। बाबरी मस्जिद निर्माण पई सही समय रे एही मंदिर को भांगी ता उपरे मस्जिद निर्माण करा जाइथिला। मोगल माने श्री राम को मंदिर रु सिना बाहर कर देले हेले से माने जानी नहंती प्रभु श्री राम प्रतिटी भारतीयों को हृदय रे रहिछंती। जेउ श्रद्धा, विश्वास, भरोसा और आशा वर्ष वर्ष धरी भारतीयों को आईनगत लड़ाई पई ऊर्जा देउतला केते बाधा आसीछि अनेक विघ्न भी घटी जाइछि हेले काहा मनरु काणिचाय भी श्री राम को प्रति आस्था कम हुएनी बरं दुईगुणा बढ़ी। आउ एबे पाखापाखी 500 वर्षर अपेक्षा परे 2019 रे सनातनर जीतला एवं 22 जानुरी 2024 रे श्रीराम टेन्ट्रु बाहरी दिव्य भव्य एवं अलौकिक मंदिर रे विराजिबा को जाउछंती। एते वर्षर अंतराल परे रामलाला निज मंदिर रे प्रतिष्ठा हेबा को जाउछंती। एबे आसंतु समय घड़ी को ओलटाइबा एवं फेरी जिबा 1526 मसीहा मोगल शासन समय को। भारत बर्षरे मोगल साम्राज्य प्रतिष्ठार मात्र 2 वर्ष परे 1528 मसीहारे बाबर निर्देश रे तांको सेनापति बाकी तस्कांडी बा मीर बाकी अयोध्या राम मंदिर को भांगी देथले। आउ सही स्थान रे एक मस्जिद निर्माण कर देथले जहाँ बाबरीर सम्मान उद्देश्य रे निर्माण होइथिला एवं तार ना बाबरी मस्जिद रखा जाइथला। केवल अयोध्यार राम मंदिर कहीं सेतेबेले देशर अनेक प्रांत रे हजार हजार मंदिर भांगी दिया जाइथला। सेतेबेले किंतु बाबर समस्त प्रतिवाद विरोध को चापी देबाकू उद्यम कले एवं सेतिरे सफल मध्य हेले। भारत वर्ष रे हिंदुस्तान रे हिंदू मानंकु सेमनांको देवी देवतांको ठारु दूरेई रखाकला। किंतु कहानी रे ट्विस्ट सेतेबेले आसला जेतेबेले वर्ष 1813-14 रे फौजाबाद रो ब्रिटिश ऑफिसर फ्रांसिस बुचान एक रिपोर्ट प्रस्तुत कले जेउ रिपोर्ट रे से उल्लेख कले जे मस्जिद भितरे से मंदिर सदृश किछि कलाकृति देखिबा को पाइले। एही रिपोर्ट सामना को आसिबा परे प्रथम थर पई हिंदू संगठन माने दाबी कले जे 1528 मसीहारे बाबर श्रीराम मंदिर भांगी सेठारे मस्जिद निर्माण कराइथिले। एभली दाबी सामना को आसिबा परे हिंदू मुस्लिम को मध्यरे बिवादर सूत्रपात होला। 1853 रे हिंदू मुसलमान माने परस्पर विरोध रे युद्धं देही डाकरा देथिले। अवधर नवाब वाजिद अली शाहक शासन समय रे हिंसार संगठित होइथिला। प्रथम थर पई अयोध्या रे सांप्रदायिक हिंसा देखिबा को मिलला। एहा परे भी गोटिए स्थान रे उभय हिंदू एवं मुसलमान गोटिए स्थान रे पूजा पाठ और नमाज अदा कले। आपण भावुछंती कि गोटिए स्थान रे केमिति 1717 अर्थात बाबरी मस्जिद निर्माण रो 190 वर्ष परे राजस्थान जयपुर राजा जय सिंह द्वितीय सही व्यक्ति जे बाबरी मस्जिद एवं यार आखपाख अंचल को निज अधीन को नेबाकु चेष्टा कले जहाँ फल कि से पूर्णी थरे सही स्थान रे मंदिर निर्माण करि परिबे। बारंबार प्रचेष्टा परे मध्य ताहा संभव हेला नहि। फल 1717 मसीह रे राजा जय सिंह द्वितीय सही स्थान रे एक अस्थायी शिविर प्रतिष्ठा करती। अस्थायी मंदिर रे
राम भक्तगण एठारे पूजापाठ करिपरिले। अठरश अणसठी रे किंतु हिंदू मानंकु मस्जिद पाखापाखि अंचल को जिबा उपरे प्रतिबंधक लागिला। फळरे ही अस्थायी शिविर रे ही रामलल्लांकु हिंदू माने पूजा कले। एहा विवादित स्थान ठारु 150 फुट दूर रे रहितला। आगो को जाई 1869 रे ब्रिटिश सरकार ही विवादित जगह को तार बाड़ द्वारा दुई भागरे विभक्त कर दिले, जहाँ फळरे शांति रे दुई गोष्ठी बिना द्विधारे निज निज आस्था प्रकट करिपरिबे। एहार 26 वर्ष परे 1885 राम मंदिर लड़ई कोर्ट को गला। निर्मोही आखड़ार मुख्य महंत रघुवर दास फौजाबाद कोर्टर आवेदन कले जे मस्जिद बाहर थिबा रामलल्लांक अस्थायी मंदिर को पक्का करिबा एवं छात पकाइबा को अनुमति मागिले। कोर्ट पूजार्चना पई तो अधिकार देदिले, किंतु मंदिर निर्माण पई अनुमति देले नाही। एहार किछि दशंधि परे 1934 रे अयोध्या रे पुणी थरे दंगार सूत्रपात हुए एवं एथिरे बाबरी मस्जिद रो किछि अंश भांगी जाए। परवर्ती समय रे एहार निर्माण त करा जाए, किंतु एही घटना परे एठारे नमाज पाठ बंद करा जाए। एही समय रे देश रे ब्रिटिश राज चलितला आ भारतवासी बाबरी मस्जिद निर्माण रो 400 वर्ष परे भी निज प्रभुंक जन्मस्थली को पाइबा को लढ़ई लड़ुथिले। से समय रे ना आमर निजर सरकार थिला ना थिला मीडिया को एते स्वाधीनता जे से माने ही मुद्दा को देशवासी को पाखरे पहुंचाई परिबे। एमिती कि देश को चलाउथबा कांग्रेस सरकार मध्य एही मुद्दा ठू निज को दूरे रखितला। हाँ, जदि किए चिंतित थिला से थिले जनता और राम भक्त जे श्रीराम को पाई निज जीवन को बाजीरे लगे दिथिले। समय बीती चले 1947 मसीह रे देश को स्वाधीनता मिले आउ स्वाधीनता सह लोकों आशा भी बढ़िला जे एथर राम मंदिर निश्चय निर्माण हेब। सेतेबेले स्थिति किंतु भिन्न थिला। कांग्रेस कौनसी बड़ नेता एही प्रसंग रे आलोचना करिबा तो दूर कथा, एही प्रसंग रे सेमाने हात टेकी देथिले। राजनैतिक सहयोग न मिलिबा परे 23 डिसेंबर 1949 सकाळे सारा देश रे खबर व्यापी गला जे विवादित अंचल रु रामलल्लांक प्रतिमा मिलिछि। हिंदू पक्ष एहा दाबी कला जे विलंबित राति रे प्रभु श्रीराम एठारे आविर्भाव होइथिले। मुस्लिम पक्ष किंतु अभिजोग बाढ़ती जे किए जणे राति अधरे मूर्ति आनी रखी जाइछंती। खबर प्रचार हेला परे मस्जिद बाहर उभय मुस्लिम और हिंदू समर्थक भिड़ जमाइथिले। विवाद बढ़िबा परे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिला मजिस्ट्रेट के नायर को चिट्ठी लिखि निर्देश देले जे सेठारु मूर्ति हटेइ दियो एवं स्थिति को नियंत्रण कर। के नायर किंतु विवाद बढ़िबा भयरे एही निर्देश को मानिले नाही। के नायर प्रधानमंत्री नेहरू को चिट्ठी लिखि जणाइले जे एमिति कले स्थिति भयानक हेब। एहापरे नेहरू पुणी थरे के नायर को चिट्ठी लिखंती एवं मूर्ति हटाइबा पई ही कहंती। एथर भी के नायर अमंग हुंती मूर्ति हटाइबा को मना कर दिंती। घटनार 7 दिन परे फौजाबाद कोर्ट रे संपृक्त स्थान को विवादित स्थान बोली राय रे निर्देश दिंती। यार मुख्य फाटक रे ताला लगाइबा को निर्देश दे दिंती। यहाँ बाद 1950 रे फौजाबाद सिविल कोर्ट रे सुनानी हुए। दुईटी आवेदन हुए, प्रथम तो रामलल्लांक पूजा पाई अनुमति एवं द्वितीय रे विवादित ढांचा रे श्रीरामंक मूर्ति स्थापन। 9 वर्ष परे 1969 रे तृतीय थर पई आउ एक आवेदन करागला जेउथरे निर्मोही आखड़ा संपृक्त विवादित स्थानर मालिकाना दाबी रखिले। एही आवेदनर 2 वर्ष परे 1961 रे सुनी वाकफ बोर्ड मध्य सही समान विवादित स्थान को निजर बोली दाबी करी कोर्ट को द्वारस्थ हेले। एहा परे अनेक थर उभय पक्ष एही दाबी कोर्ट को आगरे रखी आसिले। 1980 रे बीजेपी रो स्थापना परे पार्टी एहाकु मुख्य प्रसंग कला। श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन रो नेतृत्व नेला। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं विश्व हिंदू परिषद मध्य निज निज आंदोलन को तीव्रतर कले। राम जन्मभूमि को आजाद करिबा एवं न्याय देबा पई 1984 सेप्टेम्बर मास 24 तारीख रे बिहार रो सीतामाढ़ी रु राम जानकी रथ यात्रा बाहरिला। एथिरे हजार हजार लोक सामिल हेले। 7 अक्टोबर 1984 को एही यात्रा अयोध्या पहुँचला। से ही दिन सरजू नदी कूल लक्ष लक्ष लोक सामिल हेले।
ଆଉ ସେଠାରେ ହିଁ ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ବଜ୍ର ଶପଥ ନିଆଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ହୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା ବେଳେ 31 ଅକ୍ଟୋବର 1984 ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ସାଧୁ ସନ୍ତ ଏକାଠି ହେବାର ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ହିଁ ଯାତ୍ରାର ସମାପନ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଏହି ସଭାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଗଲା। 1985 ମସିହାର କଥା, ଏହି ବର୍ଷ ରାମ ମନ୍ଦିର ଲଢ଼େଇକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଶା ମିଳିଲା। ଏହି ବର୍ଷ ସାହେବାନ ନାମକ ଜଣେ ମୁସଲିମ ମହିଳା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ତଲାକ ମିଳିବା ପରେ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ କୋର୍ଟ କଲେ। କୋର୍ଟ ସାହେବାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦିଅନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟ ପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରେ ମୁସଲିମ ସମାଜ। ଏହି ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ 1986 ସଂସଦରେ ଏକ ଆଇନ ଆଣି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ରାଜୀବ, କାହିଁକି ନା ସେ ମୁସଲିମ ଭୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କଲେ। ଆଉ ଏଥର ମଧ୍ୟ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ଐତିହାସିକ ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି। 1986 ବିବାଦୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ିଥିବା ତାଲା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। 6 ଫେବୃଆରୀ 1986 ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଆକ୍ସନ କମିଟି ଗଠନ ହୁଏ। ଏହାପରେ 1990 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡ଼ଭାନୀ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ କହି ସୋମନାଥରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଏଁ 10,000 କିଲୋମିଟରର ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବିହାରରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରୁ ହିଁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଏ। ଏହାପରେ 30 ଅକ୍ଟୋବର 1990 ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହଜାର ହଜାର କର ସେବକ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ବିବାଦୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଗେରୁଆ ପତାକା ଉଡ଼ାନ୍ତି। ପୋଲିସର ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇପାରିନଥାଏ, ଏମିତିକି କର୍ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଏ। ତତ୍କାଳୀନ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ କର ସେବକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନେକ କର ସେବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ। ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ପୋଲିସର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ 55ରୁ ଅଧିକ ରାମଭକ୍ତ ବୀରଗତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମାନିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ମାତ୍ର 17 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କହୁଛି। 6 ଡିସେମ୍ବର 1992 କଥା, ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥାନ୍ତି ପିଭି ନରସିଂହା ରାଓ ଏବଂ କଲ୍ୟାଣ ସିଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ 2 ଲକ୍ଷ କାର ସେବକ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଭିଡ଼ ଜମା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ ସିଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଭରସା କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ବିବାଦୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନିଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବେନି। ସେପଟେ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ କୌଣସି କାର ସେବକଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ଗୁଳିମାଡ଼ ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ସେପଟେ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ହଜାର ହଜାର କାର ସେବକ ବିବାଦୀୟ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 1:55ରେ ଗୋଟିଏ ଗମ୍ବୁଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଠିକ 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ 3:30ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗମ୍ବୁଜକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସୁଦ୍ଧା କାର ସେବକମାନେ ତୃତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଗମ୍ବୁଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ସାରା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହାହାକାର ଖେଳିଯାଏ। ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଣିବାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ କରାଯାଏ। ବିବାଦୀୟ ଢାଞ୍ଚା ଭଙ୍ଗାଯିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତି ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଲ୍ୟାଣ ସିଂ। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଗ୍ଲାନି ନଥିଲା। 2019 ଏକ ଟିଭି ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏକଥା ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ସିଂ। ସେ ଏକଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଏଥର ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରିବି। 1992 ଘଟଣା ପରେ ବି ଦେଶରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦଙ୍ଗା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ। 90 ଦଶକ ପରେ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ଶାସନକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେଲା। ବିଜେପି 1999 ଏବଂ 2004 ଏବଂ ଆଗକୁ ଯେବେ ବି ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି ବିଜେପି ନିଜ ଇସ୍ତାହାରରେ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ସର୍ବାଗ୍ରେ ରଖିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ନ୍ୟାୟିକ ଲଢ଼େଇ ବି ଲଢ଼ିଲା ଦଳ। ଶେଷରେ 2019 ମସିହା 9 ନଭେମ୍ବରରେ ଆସେ ଐତିହାସିକ ରାୟ। ବିବାଦୀୟ ଢାଞ୍ଚା ସ୍ଥାନରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହାସହ ଏକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଠନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମସଜିଦ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ସ୍ଥାନ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ନିଜ ରାୟରେ ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍ତି।
सेपटे 5 फेब्रुआरी 2022 श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्रर गठन हुए जे आगक जा श्रीरामक भव्य दिव्य और अलौकिक मंदिर निर्माण करार दायित्व मुंडाए। 1528 बाबर निर्देश रे राम मंदिर भांगी मस्जिद निर्माण होता आउ एबे मस्जिद स्थान में 492 वर्ष पर प्रभु रामलला दिव्य प्रतिमा मंदिर में प्रतिष्ठा करा प्रतिटी भारतीयों पर यह अधिक गर्व और गौरवर विषय वस्तु आउ कौन हो पारे आउ से तो आज सारा भारत वर्ष राममय होइछि। ब्यूरो रिपोर्ट दिनांक टीवी।